हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है डिजिटल ग्राफिक्स। और इस चैनल पर हम फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, 3ds Max से रिलेटेड ट्यूटोरियल डालते रहते हैं। सो जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक अ व्हील इन 3ds Max। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्यूब, और ट्यूब से हम लोग अपने व्हील के साइज का ट्यूब क्रिएट करके उसको अपने व्हील के अकॉर्डिंग विड्थ देंगे। एंड मैंने इसमें सेगमेंट्स पहले से सेट कर दिए थे, जो आपको अपने व्हील्स के अकॉर्डिंग चाहिए हो आप वो सेट कर सकते हैं। एंड देन कन्वर्ट इट टू एडिटेबल पॉली। एंड अब हम एजेस को अपने व्हील के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे एज मोड पे जाके। एज मोड पे हम लोग इसलिए गए हैं ताकि हमारे जो सर्कल की शेप है वो परफेक्ट रहे। एंड देन कनेक्शन के थ्रू हम लोग और सेगमेंट्स डालेंगे हमारे व्हील के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। एंड आई एम अगेन कनेक्टेड। एंड हम लोग अपने अपने व्हील के अकॉर्डिंग डिज़ाइन डालने के लिए, उसकी बेसिक शेप निकालने के लिए हम लोग कनेक्शन डालेंगे। एंड नाउ आई एम ऑन द पॉलीगन फेस एंड डिलीट द पॉलीगन्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड। एंड हम लोग सिर्फ अभी ये थोड़ा सा पोर्शन बनाएंगे और इसी को हम लोग रोटेट करके अपना पूरा व्हील जो है कंप्लीट करेंगे। मैंने इस व्हील की शेप को पहले से देख लिया है, तो इसमें हम लोग ये पार्ट बना के इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसी हिसाब से हम इसका एंगल डालेंगे। हर एक व्हील पे डिज़ाइन जो होता है वो एक जैसा होता है, तो हमें वो रोटेट करके रिपीट ही करना होता है ज़्यादातर। तो हम लोग सिर्फ यही पार्ट बनाएंगे। एंड इसका बाहर का पोर्शन जो है वो मुझे थोड़ा सा ठीक करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा डेप्थ जो है कम है। तो अब हम लोग एजेस से इसको सेट कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड का भी कर लेंगे। एंड नाउ पॉलीगन मोड पे आके एक्सट्रूड करेंगे इसको। हम लोग जैसी आपकी व्हील की शेप हो आप उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। मैं सिर्फ ये वाला व्हील आपको मॉडल डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। एंड रियलिस्टिक और शेडेड फेस से आप अगर देखने में कोई परेशानी हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। एंड जब भी हम लोग व्हील या फिर कार ऐसा कोई मॉडल बनाते हैं जिसमें हमको रेफरेंस को देख करके बनाना होता है, तो हम पहले ऑल्ट एक्स प्रेस कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक्सरे मोड में पीछे का जो होता है वो दिखाई देता है। Extrude it for spokes.
हमने इसको एज पे किया होता हम इसको नन पे कर देंगे, नहीं तो हमारी जो यश की शेप खराब हो सकती है। और जिस भी ऑप्शन को हम लोग ऑन करते हैं उसे हमें ऑफ भी कर देना चाहिए, नहीं तो हमारी मॉडलिंग में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। अब इसकी शेप के अकॉर्डिंग हम इन वर्टेक्स को सेट कर लेंगे। हम इस व्हील की बेसिक शेप बनाएंगे एंड लास्ट में आपको रेंडर करके भी दिखाएंगे आफ्टर टेक्सचरिंग। सो हम इस व्हील को तीन पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ये बेसिक शेप बना लेंगे, फिर सेकेंडली सबको रोटेट करके कनेक्ट करेंगे, और थर्ड हम सब पे एजेस डालेंगे टर्बो स्मूथ डालने से पहले कनेक्शंस। तो अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट चल रहा है मॉडलिंग, सिर्फ हमें ये वन पार्ट जो है मॉडल करना है। अब हम इसको एक्सट्रूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इन वाले पॉलीगन से इनके बीच में ब्रिज अटैच कर सकते हैं। नाउ ब्रिज, एंड हमारे ये वर्टेसिस काफ़ी आगे की तरफ आए हुए थे, अब हम लोग इनको पीछे कर सकते हैं। पहले क्रिएट कर लिया हमने पूरा और फिर बाद में इनको एडजस्ट किया है। टेन को भी बहुत अच्छा है। नाउ हमें जो व्हील के बीच का स्पेस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें वहाँ से एक पार्ट निकालना है, तो हम लोग इसको अब एडजस्ट कर देते हैं। हमारी जो शेप है वो एडजस्ट हो चुकी है लगभग लगभग पूरी। हम इधर एक एज डाल देंगे जो ये साइड का पोर्शन है इसको बनाने के लिए। आपको एजेस अपने अपने व्हील के अकॉर्डिंग डालनी होंगी, मैं सिर्फ एक व्हील बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे एक छोटे से पार्ट को बना के पूरा व्हील क्रिएट करते हैं। ऐसे ही हम लोग इस साइड भी कनेक्शन डालेंगे इस साइड पोर्शन निकालने के लिए। एज मोड
एंड अब एज मोड पे आकर के हम एज को चाहें तो कैसे भी मूव कर सकते हैं। जो हमारी बेसिक शेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसी की वैसी रहती है, वो कभी ख़राब नहीं होती। तो इसलिए हम लोग जब भी एजेस को मूव करते हैं तो हमेशा एज मोड पे जा करके करते हैं। Go to the polygon mode. अब हम लोग इसको एक्सट्रूड कर देंगे, बेवल कर देते हैं। बेवल करने में हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हम उसका साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं और वो एक्सट्रूड भी हो जाता है। तो एक्सट्रूड से ज़्यादा हमको बेवल पे प्रेफर करना चाहिए। और हम लोग उसकी साइड शेप बना देंगे। ये ऐसे करके हम लोग अपने वर्टेसिस को एक लाइन में एडजस्ट कर सकते हैं। Again, bevel. देख लेते हैं रेफरेंस में से कि हमको इस पॉइंट को कहाँ पे सेट करना है। इसमें भी कर देते हैं एक्सट्रूड।
हमेशा ऐसे एक लाइन की वर्टेक्स को ही सिलेक्ट करेंगे एंड ये अब हमारी बेसिक शेप बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। एक बार वर्टिसेस को दोबारा चेक कर लेते हैं कि सभी वर्टिसेस सही जगह पे हैं। ये थोड़े इधर उधर जा रहे हैं तो इनको हम लोग एक लाइन में अलाइन कर लेंगे। यहाँ पे इस रेफरेंस में इमेज में थोड़ा सा कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं अपने अंदाजे से इसे कर रहा हूँ। नाउ अब हमें इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है जो बीच में से व्हील को पूरे को कवर करता है, ये वाला पार्ट है एंड ये इतना ही बनेगा। बेवल इट बिकॉज ये हल्का सा बिल्कुल दबाव हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं रेफरेंस में कितना ठीक है। अब हम लोगों को वर्टिसेस को सिर्फ एक लाइन में करना है जिससे कि जब हम कनेक्ट करें तो इसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। कभी भी आपका ये चेंज होगा तो आपके पोर्शन में स्केलिंग में आपके में दिक्कत हो सकती है तो इसको हमेशा बोथ साइड करके रखें। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इस तरह इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इनको भी हम लोग शेप में ले लेंगे। पहले इनको सीधा लाइन कर लेते हैं एक लाइन में। अब हमें सिर्फ इस पार्ट को एक्सट्रूड करना है। ये सेंटर वाले को एक्सट्रूड करना है। इससे हम सर्कल का 1/4 बना लेंगे।
सॉल्व करेंगे इसको तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो साइड्स में पॉलीगन है इन्हें हम लोग डिलीट कर लेंगे। अभी इस साइड के भी पॉलीगन हमें डिलीट करने हैं जिससे कि ये अटैच हो सके आपस में। ये हमने डिलीट कर दिए। यहाँ पे एक कनेक्शन डालना पड़ेगा क्योंकि पॉलीगन्स में बहुत साइड इक्वल्स होने चाहिए तभी वह कनेक्ट हो पाएगा सेटिंग से। नाउ बोथ साइड से अब इक्वल है पॉलीगन्स। अब हम यहाँ के भी पॉलीगन्स डिलीट कर सकते हैं। नाउ रिवॉल्व इट बिकॉज मैंने 5 पार्ट करने का तो मैंने इसको 72 के अराउंड रिवॉल्व किया है एंड ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ चुका है। अब हम लोग इन वर्टिसेस को कनेक्ट करना है। चाहे तो आप इन्हें पहले स्नैपिंग के ज़रिए स्नैप कर सकते हैं जैसे कि मैं इसमें करने वाला हूँ। पहले आप स्नैप कर सकते हैं और फिर एक साथ सभी को सिलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। और चाहे तो आप टारगेट वेल्ड से भी इनको डायरेक्टली एक टारगेट पे वेल्ड कर सकते हैं जिसमें कि आपको इनको फ्यूज़ आपस में स्नैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टारगेट वेल्ड से अगर आप करते हैं तो। बट मैं अभी इनको फ्यूज़ करके कर रहा हूँ और आगे के सारे पार्ट्स में टारगेट वेल्ड से कर दूँगा। ये मुझे आपको एक तरीका दिखाना था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और टारगेट वेल्ड से भी कर सकते हैं। नाउ अभी हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है एक तरह से व्हील मेकिंग का कि हमें अब सारे एजेस को कनेक्ट करना है। और इनको सभी को अच्छे से आप लोग फ्यूज़ करके कनेक्ट करें या फिर टारगेट वेल्ड से कनेक्ट करें। बट आपको एक बार वेल्ड करने के बाद इसे चेक करने के लिए टर्बो स्मूथ डाल के इस पर टर्बो स्मूथ अप्लाई करके जरूर चेक कर लें एक बार कि ये पूरा अच्छे से वेल्ड हो चुका है या कोई वर्टेक्स छूट चुका है। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे पार्ट्स को कनेक्ट कर लेंगे। नाउ हम लोग स्नैपिंग हटा देंगे।
कि आप लोग हम लोगों का एक पार्ट तो अटैच हो चुका है, ऐसे ऐसे करके हम लोग सभी पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। ये अब हम लोगों ने एक बार टर्बो स्मूथ डाल के इसको चेक कर लिया कि जो कनेक्ट हमने किए हैं वो सेटिंग से हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको सारे एजेस को कनेक्ट करते हुए नहीं दिखा सकता क्योंकि ट्यूटोरियल हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम लोगों को सिर्फ कनेक्शन डालने हैं टर्बो स्मूथ के लिए, जिससे कि हमारा फ्लो बिल्कुल करेक्ट आए व्हील का, जहाँ पर हमको ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए या फिर जहाँ हमको स्मूथनेस को रोकना है तो वहाँ पर हम लोग कनेक्शन डालेंगे। अब हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है व्हील मॉडलिंग का एक तरह से। नाउ हमारा व्हील जो है कंप्लीट होने वाला है आफ्टर इन कनेक्शन को कम्प्लीटली डालने के बाद टर्बो स्मूथ डाल देंगे फिर, और फिर टैक्सिंग करके हम लोग आपको एक रेंडर लो रेंडर दिखा देंगे। नाउ कनेक्ट, हम लोग जो है कनेक्शन ही डाल रहे हैं। कनेक्शन का काम खत्म होते ही समझ लिया हमारा व्हील कंप्लीट हो जाएगा। और अभी हमने सिर्फ ये हाफ व्हील बनाया है, जो व्हील की ग्रिप है वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। तो इसमें हम खाली स्पोक्स बनाएंगे और ऊपर के पार्ट को ऐसे ही छोड़ देंगे उसमें हम लोग, क्योंकि उसको ग्रिप से कवर कर देंगे टायर ग्रिप से। तो टायर ग्रिप मैं अगले ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ हाउ टू मेक टायर ग्रिप। हमने अप्लाई करके देख लिया है, हमारा व्हील जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने जो बेसिक शेप्स बनाई है, आप चाहे तो इसमें और भी डिज़ाइनिंग जो रहती है वो ऐड कर सकते हैं, पर मैं आपको वो सभी के सभी डाल के नहीं दिखा सकता।
इससे फिर हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप चाहें तो डाल सकते हैं वो सब। यहाँ पर कनेक्शंस डालने रह गए हैं हमारे पास। सभी व्हील्स के एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे बाय कंट्रोल एंड देन ऑल्ट आर फॉर रिंग एंड कनेक्ट। अभी जो बीच का पार्ट है हम लोग इसको बना लेते हैं। Convert it to editable poly after making a circle. And then inset for some depth. And this may be a look turbo smooth apply करेंगे। अब हमें ये ऊपर का पार्ट बनाना है इसके, तो इसे भी हम लोग सर्कल से ही बनाएंगे। इनको हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ कर देंगे जो हमारे व्हील की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग। हम लोग एक और सिलेंडर लेकर के जो बीच का पार्ट है इसको बनाने वाले हैं। इसमें साइड साइड में जो है कटिज लगे हुए हैं जो आपको इमेजेस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि शायद आपको इतने साफ तरीके से दिखाई ना दे रहे हों, बट मैंने देख लिया इनको और हम लोग इनको बनाएंगे थोड़े छोटे छोटे सर्कल लेके। इसी से कॉपी कर देंगे, ड्रैग विद शिफ्ट फॉर कॉपी। एंड इसका रेडियस हमने काफ़ी कम कर दिया है, बट हम लोग इसकी विड्थ इतनी रखेंगे ताकि इसमें होल हो सके आर पार। हम लोगों को इसका पिवट पॉइंट चेंज करना होगा जिसकी कि ये इसके रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व। हम लोगों ने इसका पिवट पॉइंट सेट कर दिया है, अब हम इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं एट सम एंगल
आप लोग यहाँ पे एंगल डिफाइन कर सकते हैं किस एंगल पे आपको रोटेट करना है। नंबर ऑफ कॉपीज, नाउ अटैच देम। जैसे हमने व्हील में एक पार्ट के पार्ट को सभी पार्टों से अटैच किया था, तो कन्वर्ट इट टू एडिटेबल पॉली फर्स्ट देन अटैच। नाउ अब ये एक पार्ट बन चुका है, अब इससे हम लोग बुलियन से हॉल क्रिएट कर सकते हैं। कंपाउंड ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा बुलियन, पिक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। अभी हम लोग कुछ ट्यूटोरियल सीरियल वाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे कि कोई भी आके हमारे चैनल पे आके 3ds Max सीख सके। सीरीज वाइज उसे हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे ये ट्यूटोरियल तो बीच में से हो गया कि हाउ टू मेक अ व्हील, तो जिससे कि कोई भी आके हमारे चैनल पे आके 3ds Max आसानी से सीख सके फ्रॉम बिगनिंग। जैसे फर्स्ट डे से जो कोई भी सीखता है तो उसको ऐसे सिखाया जाएगा। तो सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो प्लीज़ आपके जो भी फ्रेंड्स हों जिनको 3ds Max सीखना हो स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये वीडियो उनको समझ में नहीं आएगी। हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से कराने वाले हैं 3ds Max फ्रॉम इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमको हम इसे किसी भी फाइल में भी ड्रैग कर सकते हैं, जहाँ भी हमें यूज में इसको लाना हो। नाउ हमारा व्हील रेडी है, आफ्टर टेक्सचरिंग लुक लाइक दिस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेंडर दिस। Thank you for watching the full video. Please like, subscribe and share this video more and more.